वेलकम टू सजीर बाइक गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज मेरे पास आया है TVS कंपनी का Apache RTR बाइक और इसमें बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है। क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है सबसे पहले वो आप लोगों को बताता हूँ। तो गाइस ये बाइक जैसे कि पिकअप हम लोग दे रहा है तो झटका दे रहा है और क्लच पूरा छोड़ दे रहा हूँ तब भी बाइक आगे नहीं भाग रहा है। तो ऐसा रीजन क्यों हुआ है इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। तो इस बाइक में हो क्या रहा है, जो बाइक का क्लच जो है क्लच दबा के गियर में दे रहा हूँ बाइक आगे नहीं जा रहा है। और जैसे कि मान लीजिए इसका माइलेज बहुत ही ख़राब आ रहा है और व्हाइट स्मोक काला स्मोक सभी दे रहा है। देखिए क्लच छोड़ दिया है, देखिए अभी बाइक गियर पर है, देखो पूरा क्लच छोड़ दिया है फिर भी नहीं जा रहा है। देखो ऐसा से करके जा रहा है, झट कर रही है, देखो नहीं भाग पा रहा है। तो चलिए बाइक में क्या हुआ है सब खोलते हैं और आप लोगों को बताते हैं, जो बाइक आगे नहीं भाग रहा है और माइलेज भी ख़राब है, काला स्मोक आ रहा है और उसके साथ आप लोगों को देखने को मिलेगा व्हाइट स्मोक। तो सभी का काम हम करेंगे, क्या क्या हम लोग इसमें करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ। तो गाइस स्पार्क प्लग का कलर देखो काला काला हो चुकी है और स्पार्क प्लग का जो इसके अंदर हम लोग का चीना माटी होता है वो तोड़ दिया है और यहाँ एक वाल्व का झटका लगा हुआ है। देखिए इस जगह पर देखिए गौर करके वाल्व यहाँ लग गया है, मुझे लगता है वाल्व भी बैंड हो गया है। तो काफ़ी सारे चीज़ हम लोग को देखना पड़ेगा इस पर प्लग अगर हम लोग का काला निकले। तो गाइस इस बाइक में हम लोग खोलेंगे क्या मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्लच चैम्बर ओपन करेंगे, हेड ओपन करेंगे, स्लिप ब्लॉक किट ओपन करेंगे, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि बाइक का कनेक्टिंग रॉड सही है या ख़राब है। तो चलिए खोलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। गाइस पूरा इंजन को सफाई कर लिया है, अब आप लोगों को बताएंगे जो हम लोग क्या क्या डालने वाले हैं इंजन पर जिसमें कि इंजन का परफॉर्मेंस बेहतर देगा और इंजन फिटिंग भी हम लोगों को अच्छी तरह से करना है जिसमें कि जितना भी पुर्जा है सब अपने अपने जगह में लगाना है और टाइमिंग के साथ लगाना है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये जो कनेक्टिंग रॉड है ये मैंने नया लगाया है, यहाँ देखिए इसमें लेद में जाने के बाद हमने जैसे कि इसको न्यू रॉड फिटिंग किया, अब हम लोग ये बेहतर से बेहतर बन गया है। अब हेड में मैंने दो वाल्व जो है नया डाला है गाइस, ये वाला वाल्व और ये वाला वाल्व जो है बहुत ही ख़राब हो गया था, दोनों वाल्व को मैंने लेस से ग्राइंडिंग किया और वाल्व फिल नया डाला और हेड का काम बन गया। अब पिस्टन में आते हैं, हमने जैसे कि यहाँ देखिए 952 रुपये से कीमत है और उषा कंपनी का पिस्टन मैंने दिया है बोर कराया। तो फिलहाल ब्लॉक किट भी हम लोगों का कम्प्लीट बन गया जैसे कि बोरिंग करने के बाद। अब चलिए बाइक का जो पिकअप है ताकत नहीं मिल रहा था, इतनी ख़राब हो गया है। देखिए इसका कारण हम लोग का नया क्लच प्लेट भी कट गया है, कस्टमर ने बोला एक महीना पहले ही मैंने जेनुइन कस्टमर ने बोला कि जेनुइन लगाया था, बट मैं इस बाइक में दूंगा MK कंपनी का पूरा सेट कंप्लीट दूंगा क्योंकि इसके पास अब बजट कम था। मैंने उसको बोला कि 7,000 रुपये आपका खर्चा आएगा, मेन बैरिंग हो इतना भी इंजन का बैरिंग हो सब चेंज करेंगे, ब्लॉक किट बदलेंगे, बट उन्होंने बोला कि इतना मेरे पास बजट नहीं है। तो मैंने फिलहाल बोरिंग किया और ये सब लगाएंगे। इस वीडियो में आप लोगों को पूरा चीज़ फिटिंग करके दिखाएंगे। तो इसमें बजट हमने 5,000 का बोला है तो ये सब है कुछ दूंगा और मिस्त्री चार्ज लूंगा। तो चलिए पूरा सेट हम लोग कंप्लीट करते हैं, गियर बॉक्स किस तरह से फिटिंग करें, पिस्टन किस तरह से फिटिंग करें, रिंग किस तरह से फिटिंग करें, चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस चलिए गियर बॉक्स फिटिंग करेंगे। सबसे पहले अगर गियर बॉक्स का वीडियो आप लोग देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ डालेंगे और ये वाला पिनियम किक्रेचर का जो पिनियम है यहाँ पर हम लोग को सेफ्ट करना है। तो चलिए ये बाद में हम लोग को मौका नहीं मिलेगा। बस अब हम लोग का पिनियम सेटिंग हो चुकी है, आप लोग जैसे कि हम लोग चेंजर फिटिंग करेंगे। तो गाइस ये जो बूस है बूस आप लोगों को डालना पड़ेगा तभी हम लोग का गियर ठीक से गिरेगा। तो चलो हम लोग सिलेक्टर को मैचिंग कराएंगे, इसको इसी हिसाब से रखेंगे इसी एंगल से। अब दूसरे को लेते हैं, इसमें भी बूस डालेंगे, डालने के बाद इसी एंगल से हम लोग इंस्टॉल करेंगे, जैसे ऊपर वाला और जैसे कि नीचे वाला बीच वाला उसी से लगेगा। तो चलो Thank you.
बस क्रैंक हम लोग इसके अंदर भरेंगे। तो क्रैंक हम लोग ऐसे ऐसे करके जैसे कि हमने भर लिया है और क्रैंक नहीं जाएगा। अब यहाँ देखिए ये जो पिनियम है सेंटर करके रखना है और किक शाफ्ट किस तरह से हम लोग उपयोग करें आप लोगों को दिखाता हूँ। हम लोगों को पाक देना है और बेहतर से बेहतर अच्छी तरह से फिटिंग करना है। देखिए और एक चीज़ आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये जो हम लोग का मार्किंग है गाइस, इस मार्किंग को हम लोग को गौर करना पड़ेगा। यहाँ देखिए एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोगों को इसी का साथ मैचिंग करना है, एक पॉइंट का साथ, तभी हम लोगों का किक स्पीडिंग ठीक से वर्क कर पाएगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग इसी हिसाब से रखेंगे, ठीक है। बस अब हम लोग यहाँ इसको भर देंगे इसी जगह पर। बस अब हम लोग किसका उपयोग करेंगे, किक लाइए गाइस। अब इसका हम लोग उपयोग करेंगे जो ये सिस्टम है, इसे थोड़ा हम ऊपर करेंगे, ऊपर करेंगे 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 और इस तरह से लाने के बाद नीचे हम लोग यहाँ जैसे कि इसको पुश कर देंगे, ऑटोमेटिक हम लोगों का चल जाएगा। देखिए ये ऑटोमेटिक चल चुकी है, बस यहाँ का काम किक ख़त्म। तो चलिए हम लोग चेंबर फिट करेंगे। हम लोग चेंबर फिटिंग करेंगे। को गियर शाफ्ट इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलो पहले हम लोग गियर शाफ्ट इंस्टॉल करेंगे। अब हम लोग डालेंगे इसको इसी हिसाब से रहेगा, ये हम लोगों का गियर काम करेगा। चलिए लॉक लगाएंगे। बस अब यह काम करेगा आसानी से। गाइस ये उल्टा पैच है, उल्टा पैच देने से हम लोग का नॉट टाइट होगा, तो इसे हम लोग बाद में टाइट देंगे, अभी रख देते हैं। गाइस इस पाइप को हम लोग फिटिंग करेंगे। तो इस पाइप को यानी कि हम लोग सीधा से भरेंगे। तो चलिए नॉट हम लोग टाइट करेंगे। बस वॉशर गाइस, यानी कि चार क्लच प्लेट इस जगह पर और एक क्लच प्लेट इसी जगह पर। अब हम लोग लगाएंगे वाइल्ड फॉर्म की फिनियम। तो चलिए वाइल्ड फॉर्म की पीनियम के अंदर हम लोग एक बूश लगाएंगे रॉट, यानी कि ये जो कटिंग है बूश के अंदर ही मुझे सेटिंग करना है, नहीं वो है बस। बस तो चलिए क्लच बेयरिंग लगाएंगे। बस तो सो गाइस अभी क्लच के जो बूश है इसको हम लोग को एक बॉल देना पड़ेगा और चलो पैकिंग लगाते हैं। चलिए बूश डालना पड़ेगा। ओके
यहाँ एक बूझ देना पड़ेगा, दे दिया है। चलिए अब चैम्बर को ठूकते हैं। रुके रुके रुके, इस नाट को टाइट करना पड़ेगा, इस नाट को हम लोग टाइट करेंगे। तो चलिए बस यानी कि हमने चारों रिंग का ग्रुप है चारों साइड रखा और नेट रिंग का जो ग्रुप है ऊपर रखा। तो इसे हम लोग इसी तरह से फिट करेंगे, जो बड़ा बल्ब का जो मार्किंग है एक है या एग्जॉस है। तो चलिए हम फिटिंग करेंगे। बस उस साइड का देखो, बस बस ओके। चलिए टाइमिंग चेन फिटिंग करेंगे। बस तो यहाँ देखिए कैम सेफ न्यूट्रल पोजीशन पर है और इसका मार्किंग जो है मैंने लेफ्ट राइट ठीक रखा है और पिस्टन को टॉप में किया है। एक बार और कंफर्म हो जाता हूँ, इस छेद में अगर हम लोग मार्तुल भरे तो हम लोगों को पता चल जाता है जो पिस्टन किस हिसाब से है। तो अभी हम लोगों का पिस्टन जो है एकदम परफेक्ट है और बाइक का टाइमिंग भी परफेक्ट आया है। तो चलो कैप लगाएंगे। तो गाइस हम लोग यूज करेंगे 0.8 mm, जिसमें कि रॉकर हम लोगों का अच्छी तरह से एडजस्ट करेंगे। इंजन फिटिंग करने के बाद अगर 5 घंटा बाइक चले, अगर वाल्व कट जाए तो रॉकर हम लोगों का जैसे कि टाइट ना हो, तो हम लोग को 0.8 mm रखने से हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, वो दिक्कत नहीं आएगा।
बस ठीक है, छोड़ दो। तो गाइस यहाँ हम लोग का रोलर बेयरिंग रहता है, ये 1 वीक क्लच है इसके अंदर। तो चलो मैग्नेट फिट करेंगे। बस तो सो गाइस अभी इंजन फिटिंग हो चुकी है, अभी बाइक में हम लोग इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद बाइक का इंजन का साउंड क्वालिटी कैसा आ रहा है, बाइक में पिकअप कैसा आ रहा है, बाइक को चला के देखेंगे और आप लोगों को लास्ट फिनिशिंग वहीं छोड़ेंगे। तो चलिए बाइक में हम लोग फिटिंग करेंगे, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। ये आप लोग देख रहे हैं तो काम करते करते बाइक शाम हो चुकी है और पूरा इंजन फिटिंग कर लिया। आप लोगों को दिखाता हूँ स्टार्ट करके कि बाइक हम लोगों का कैसे चल रहा है। अब इसका ताकत दिखाता हूँ। तो गाइस अभी हम लोग माइलेज सेट करेंगे बाइक का, ठीक है? चलो बाइक को स्टार्ट करो। तो गाइस टीवीएस अपाची आरटीआर बाइक में जो हम लोग का यार स्क्रू पर नाट है, इसको हम लोग को ढीला पोजीशन में रखना है, तभी हम लोग को आरपीएम बढ़ेगा। अभी देखो कितना आरपीएम है, आहिस्ते आहिस्ते हम करके ढीला करेंगे, ढीला का ही उपयोग करेंगे। कितना आरपीएम बढ़ रहा है देखो। बस अब हम आरपीएम जैसे कि लो कर देंगे गाइस। बस लो हो चुकी है। तो थोड़ा हम बाइक को चला के आते हैं, उसके बाद स्पार्क प्लग खोल के आप लोगों को दिखाता हूँ। चलिए न्यूट्रल करता हूँ बाइक को, तो बाइक का स्पार्क प्लग खोल के दिखाऊंगा उसमें ब्लैक निकल रहा है या सादा निकल रहा है। तो गाइस देखो कंडीशन क्या है, यानी कि साफ शब्दों में कहा जाए तो बाइक का माइलेज हम लोगों को 100% आ चुकी है और ये जो हम लोगों का माइलेज है एकदम परफेक्ट आ चुकी है। पहले आप लोगों को दिखाया था जो बहुत ही काला था और इससे हम लोगों का जो ऑयल आता था यहाँ और जैसे कि फ्यूल भी ज़्यादा खा रहा था, तो मैंने जो जो काम किया, काम करने के बाद ऑटोमेटिक बाइक का सब सिस्टम सही हो गया है। तो गाइस आज आप लोगों को दिखाया TVS Apache RTR बाइक, ओल्ड मॉडल हो, न्यू मॉडल हो, कोई भी बाइक हो जिसमें कि पिकअप का प्रॉब्लम हो, ताकत नहीं मिल रहा है या वाइट स्मोक आ रहा है, ब्लैक स्मोक आ रहा है, इसे आप किस तरह से रिकवर करें जिसमें कि आपका बाइक बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दे। तो इस वीडियो में आप लोगों को दिखाया, पूरा इंजन फिटिंग करके दिखाया, खोल के दिखाया और क्या क्या हमने डाला वो भी दिखाया। तो वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, एक वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है गाइस और बहुत ही टाइम लगता है, तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिसमें कि हर कोई मैकेनिक भाई को पता चले जो हमारे सजीर बाइक गुरु चैनल में बाइक रिलेटेड वीडियो मिलता है। तो गाइस हमारा जो जगह है वाइट बंगाल कलियाचक मालदा डिस्ट्रिक्ट से मैं रहने वाला हूँ और इस जगह का नाम है अंसारी पाड़ा, कलियाचक बलेडंगा मोड़ अंसारी पाड़ा। तो अगर आप हमारे क्षेत्र से अगर
कुछ दूरी पर है, तो आप लोग आ सकते हैं हमारे पास काम कराने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जुड़ा रहिए संजीव भाई गुरु यूट्यूब चैनल का साथ।